सुपर सिंपल, सुपर ब्यूटीफुल और सुपर इजी। आप में से कोई भी अगर इस ट्यूटोरियल को वन टू ऑल सही से फॉलो करता है तो वो ऐसी पेंटिंग बना सकता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है यासिर और आप देख रहे हैं पेंटास्टिक वैली। तो पहले तो मैं आज की वीडियो जो है काफ़ी दिनों के बाद लेके आ रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत ही स्पेशल और डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो कैलीग्राफी पेंटिंग के रिलेटेड आपका कोई डाउट भी नहीं बचेगा। तो पहले मैं ये बात बता दूं कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलीग्राफी पेंटिंग के रिलेटेड ए टू जी। तो शुरू में बात करेंगे ब्रशेस के बारे में, पेंट्स के बारे में, मीडियम्स के बारे में, कैनवास के बारे में, और उसके बाद देखेंगे जो मिस्टेक आप लोग करते हैं, जो कि इंस्टाग्राम पे आपने कुछ शेयर की थी कैलीग्राफी की पेंटिंग्स, या मैं वैसे बिगनर्स की देखता आ रहा हूँ। बाहर वो समझते हैं कि वो आसान मेथड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो खुद को मुसीबत में डाल रहे होते हैं। तो ये सब डिस्कस करने के बाद हम करेंगे कैलीग्राफी पेंटिंग, और उसके दौरान मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि मैं यूज़ करता हूँ। आपको याद होगा कि 3 महीने पहले मैंने कैलीग्राफी स्टार्ट की थी, वो यूट्यूब पे मेरी वीडियो भी मौजूद है, और अब तक मैंने ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बना ली हैं। तो मैं आपको वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि मैंने यूज़ की थी। तो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हैं वो सारे मटेरियल्स जो कि मैं यूज़ करता हूँ। स्टार्ट करते हैं कैनवास को प्राइम करने से। तो प्राइमिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ एक्रेलिक मीडियम जैसो। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जैसो है, 1200 ml की है, और ये मुझे मिली है 1500 rupees की। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप लेना चाहते हैं तो। उसके बाद बैकग्राउंड पेंटिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ ये चीप ब्रशेस जो कि 10-10, 20-20 रुपए के आते हैं, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बैकग्राउंड के लिए कौन से ब्रश यूज़ करते हैं। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए मैं एक्रेलिक पेंट यूज़ करता हूँ। यूजुअली मैं एक्रेलिक को सिर्फ बैकग्राउंड में ही यूज़ करता हूँ, जो कि कैलीग्राफी लिखता हूँ वो मैं इन ऑयल पेंट से लिखता हूँ। ये मैरिज कंपनी के एक्रेलिक पेंट्स हैं। उसके बाद ये ऑयल कलर्स जो हैं ये भी नॉर्मल वाले मैरिज कंपनी के ऑयल कलर्स हैं। ये 50 ml की ट्यूब मिलती है, 140 rupees की एक ट्यूब, और ये 75 ml की ट्यूब मिलती है 170 के अराउंड। उसके बाद मीडियम्स के लिए एक्रेलिक तो आप जानते हैं मैं सिर्फ पानी यूज़ करता हूँ, और ऑयल कलर्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ ये मीडियम। ये है मैरिज कंपनी के लिंसिड ऑयल, और ये है टर्पेंटाइन ऑयल। और आप लोगों ने अक्सर मेरी वीडियोस में ये आई ड्रॉप्स देखे होंगे, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये इतने हैंडी है ना, मैं इनको हर वक्त यूज़ करता हूँ। ये बेसिकली आई ड्रॉप्स की एक ट्यूब खाली पड़ी थी, उसके अंदर मैंने ये लिंसिड ऑयल और ये टर्पेंटाइन ऑयल को मिक्स करके डाल दिया। टर्पेंटाइन ऑयल बहुत ही कम डालना है, और लिंसिड ऑयल ज़्यादा डालना है। तो अब जब भी ज़रूरत होती है ये एक कतरे दो कतरे यहाँ से निकाल के मिक्स करके यूज़ कर लेता हूँ। इनकी प्राइसेस और लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद ये हैं चॉक, जो कि मैं ओरिजिनल ऑयल पेंटिंग करने से पहले लिखता हूँ आइडियाज़ के लिए या ग्रिड बनाने के लिए। ये चॉक का पूरा डब्बा जो है 20 रुपये का है। तो ब्रशेस जो कि अब तक मैंने यूज़ किए हैं वो हैं ये एंगुलर ब्रशेस कीप स्माइलिंग कंपनी वालों की तरफ से। ये बहुत अच्छे ब्रशेस हैं, लेकिन इसके दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम ये कि ये ब्रशेस आप देख सकते हैं एंगुलर हैं, तो जब हम इनको यूं पकड़ते हैं और नीचे तो बहुत ही आसानी से आ जाते हैं, लेकिन अगर रे लिखते वक्त जब किसी लिखते वक्त ऊपर ले जाना पड़े तो ये देखें ऊपर इतनी अच्छे से नहीं जाते। और दूसरा इनका मसला ये था कि इससे छोटे ब्रश नहीं थे। तो आपने देखा होगा कि फाबी आई आला रब्बी को मातु का ज़िबान वाली पेंटिंग में मैंने इससे सिग्नेचर किए थे, और वो बहुत बड़े हो गए थे, मतलब इससे छोटे ब्रश नहीं थे। तो इसलिए मैंने ऑर्डर किए हैं ये न्यू ब्रशेस जो कि हैं फ्लैट ब्रशेस कीप स्माइलिंग कंपनी वाले की तरफ से। ये भी काफ़ी चीप हैं, 400-500 के 12-11 ब्रशेस आ गए। तो इनका फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही छोटे ब्रशेस से लेकर काफ़ी बड़े साइज़ तक हैं, तो आप सिर्फ यही ऑर्डर कर लें तो ये भी काफ़ी हैं। लेकिन मैं चूंकि बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग भी बनाता हूँ, तो उसके लिए मुझे इससे बड़े ब्रशेस भी चाहिए होते हैं, जैसे ये है, ये है या ये है, और ये मैंने लोकल हार्डवेयर स्टोर से लिए हैं। मेरे ख्याल में थ्योरी के लिए काफ़ी हो गया, अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो ये है आज के लिए कैनवस 16x20 इंच का, और इस पर मैंने 3 ग्रिड बनाए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट हैं, चाक से बनाए हुए हैं 3 ग्रिड। ये 20 का था तो इसको 3 में डिवाइड कर दिया, एक यहाँ यहाँ, और 3 ग्रिड बन गए, इस तरफ भी और इस तरफ भी।
बिल्कुल लाइट बनाने हैं, ज़्यादा ये बैकग्राउंड पे खर्च नहीं मारनी। और ये जो बैकग्राउंड है इसके लिए भी मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उसको पहले देख सकते हैं। और इसके ऊपर मैं लिखने वाला हूँ अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, उसके लिए जो रेफरेंस फ़ोटो है वो ये है, और उस पर भी हमने ऐसे ही तीन ग्रिड बना लेने। हम यहाँ पर लिखेंगे अल्लाह बड़ा करके रेड कलर के साथ, और यहाँ पे लिखेंगे नूर समावात वल अर्ज़ ब्लैक कलर के साथ। तो यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक जो करते हैं वो ये होती है कि यहाँ आकर बिगिनर्स शुरू हो जाते हैं कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, मतलब उसकी आउटलाइन सारी कंप्लीट यहाँ पे बनाना शुरू कर देते हैं। अलिफ की चौड़ाई इतनी होगी, यहाँ पे ये इतना होगा, इतना होगा। तो उसके बाद वो छोटे ब्रश के साथ आते हैं और उसको फिल करना शुरू कर देते हैं। इस तरह उनको कोई आइडिया नहीं होता कि कितनी चौड़ाई रखनी चाहिए, कहाँ पे चौड़ाई पतली होगी, कहाँ पे ज़्यादा मोटी आएगी लिखाई। तो उसके लिए आसान तरीका सिर्फ यही है कि आप यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आइडिया लें, यहाँ पे सिर्फ जैसे ये मैंने लिखा है रेफरेंस इमेज को देख के यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे अलिफ आएगा तो यहाँ पे यहाँ जाए। यहाँ आपने आइडिया लेना है कंपोजिशन का कि कहाँ पे लव शुरू होना है, कहाँ पे ख़त्म होना है। जैसे मैंने अभी एक रिसेंटली कैलीग्राफी की है आयतुल कुर्सी की, जिसकी वीडियो भी अभी आने वाली है, उसमें मैंने दायरे लगाए थे और उसके अंदर लिखा था। तो मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ कंपोजिशन का आइडिया लेना है, यहाँ पे अल्लाह लिखना है, जैसे यहाँ पे शुरू होगा यूँ। यहाँ पे मैं एक आपको टिप देता चलूँ कि जो अरबिक के वर्ड्स होते हैं कभी भी सीधे नहीं होते, अलिफ होगा तो हल्का सा टेढ़ा और नीचे आके दोबारा इस तरफ हो जाएगा। लाम ये देखें इस तरह है, आप चौक को देखें, ये दूसरा लाम भी इस तरह है, तीसरा इस तरह है, फिर हे अल्लाह, आगे है नूर समावात वल अर्श, तो नूर यहाँ पे लिखना है। ये अब काफ़ी बड़ा होगा मिड में, यहाँ पे हमने छोटे ब्रश का यूज़ करना पड़ेगा। मैं अब आपको करीब से दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे लिखा है। ये देखें अल्लाह, ये नूर समावा तुअल अर्स, बिल्कुल लाइट और सिर्फ आइडिया लिया है, यहाँ पे मैंने कोई मोटाई का तायुन नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब आपको देखना है आपको कौन सा ब्रश यूज़ करना चाहिए। सपोज़ मैं इस ब्रश को देखता हूँ, टच नहीं करना, वैसे देखता हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा, जब यहाँ पर गुलाई करूँगा तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो ये भी मेरे ख्याल में थोड़ा बड़ा है, मेरे ख्याल में मुझे ये ब्रश यूज़ करना चाहिए। तो जैसे अब मुझे आइडिया तो हो गया है, मैं एक यहाँ से वर्ड को मिटाऊंगा, ये देखें ये सारा चाक उतार दिया ताकि मेरा जो ऑयल पेंट है वो यहाँ पे सही से स्टिक करे। और यहाँ पे मैंने ब्रश को लोड किया। अब आ जाए यहाँ पे, मैंने यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक जाना है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपने ब्रश को कैसे पकड़ना है। कैलीग्राफी में लिए ब्रश को ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे भी नहीं पकड़ना, ब्रश को आपने
60 के एंगल पे पकड़ना है। ये देखें, जैसे अब मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ, ये ऐसे, अब आपको आइडिया होगा कि ऐसे पकड़ना है ब्रश को। देखा, चाक अगर इरेज ना करता तो सारा चाक यहाँ पे लग चुका होता। चलें इसको बाद में देखते हैं। अब लाम फिर ब्रश को वैसे जैसे उसके लिए पकड़ा था, इसको इरेज करते हैं। लाम मैंने यूं लेके आनी है, ये ऐसे। अब दोबारा ऐसे, यहां तक, फिर इसको सही कर देते हैं। अलिफ को हमने हल्का सा टिल्ट किया था, लाम और ये लाम काफ़ी ज़्यादा, और ये वाली जो तीसरी लाम है जो जिसको हमने हे के साथ मिलाना है, उसको हमने इस तरफ ले गए। इसको ऊपर कर देते हैं हल्का सा अभी भी। ये देखें, अब इसको हमने हे के साथ मिलाना है, उसके लिए चलें बाद में मिलाएंगे, पहले हे बना लेते हैं। अल्लाह, चले मिलाने के लिए हम कोई छोटा ब्रश यूज कर लेते हैं।
और बाद में इस छोटे ब्रश के साथ आप यहाँ पे करेक्शन भी कर सकते हैं। चले मैं इसके बाद करेक्शन कर लूँगा, अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसे ये कि मैंने इसी तरह आप यहाँ भी जहाँ की यहाँ कहीं आपको लगे आप करेक्शन कर सकते हैं। ये 6 नंबर आजमा के देखते हैं, पुराने वाला कीप स्माइलिंग एंगुलर। अब एराब लगाते वक्त या शेप्स बनाते वक्त तब भी ब्रशेस को ऐसे ही पकड़ना चाहिए और फ्लैट ब्रश से बनाने चाहिए। बाज़ लोग क्या करते हैं, वो राउंड ब्रश से बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे बस सारा बेड़ी गर्क। यहाँ पे हम अल्ले बना देते हैं। ये देखें, जैसे ये शक्ल बना रहा हूँ मैं।
अब यहाँ पे एराब वगैरह लगाने के लिए मैं यूज़ करूँगा परमानेंट मार्कर का, ये डॉलर कंपनी की है परमानेंट मार्कर। ये ऑयल पेंटर ड्राई नहीं हुआ तो मुझे मुहतात रहना पड़ेगा। एराब लगाने का या जगह फिल करने का सबसे जो एफिशिएंट मेथड है वो ये है कि पहले जो ओरिजिनल एराब है वो लगा लिया जाए, उसके बाद जगह को फिल कर दिया जाए। जैसे यहाँ पे नूर, यहाँ पे नून पे पेश है, रे पे भी पेश है नूर, रुस सीन पे शाद है, शाद जबर होगी, शाद भी है जबर भी है, तो ये सामावा मीम है ये। वाह ये खड़ी जबर होगी मीम पे। यहाँ पे मेरे ख्याल में अराब लगे हैं, जगह फिल कर देते हैं। वन अर्स वहाँ पे जबर आएगी, अर्स अल्फ पे भी जबर आएगी, ये यहाँ पे अर्स इस पे कुछ नहीं आएगा। तो पेंटिंग हो गई है कंप्लीट। जब ये ड्राई होगी तो मैं ये चाक वाली लाइंस मिटा दूंगा, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। सुपर सिंपल, सुपर ब्यूटीफुल और सुपर इजी। आप में से कोई भी अगर इस ट्यूटोरियल को वन टू ऑल सही से फॉलो करता है तो वो ऐसी पेंटिंग बना सकता है। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप कर लें कैलीग्राफी के जो हरूफ तहजी होते हैं अलिफ बे इस तरह से, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप इतने बड़े बड़े जंप ना लगें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ज़रूर आगे फॉरवर्ड मूव करें। मैंने भी ऐसे ही किया था, पहले मैंने पेपर पे परमानेंट मार्कर से बनाना शुरू की, फिर छोटी पेंटिंग की, फिर उसके बाद बड़ी पेंटिंग की, फिर आस्ते आस्ते प्रैक्टिस से अब ऐसी पेंटिंग आ जाती। मुझे पता है कि पाकिस्तान में बहुत कम्प्लेक्स कैलीग्राफी भी की जाती है, मैंने देखी हैं कई पेंटिंग्स, लेकिन अभी तक मैंने ट्राई नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो अगर मैं अभी से ट्राई कर लूँगा तो उसको मैसअप कर लूँगा। तो सुपर सिंपल पेंटिंग्स बनाएं और ये बहुत ही प्यारी लगती हैं। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा इसमें से। अगर ऐसा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।